जीवन की सभी मुश्किलों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें से जीतेगा वही जिसको ज़्यादा खुराक मिलेगी। सोचा नहीं था कि वक्त ऐसा भी आएगा जब फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकमों की तो ज़िंदगी तो दूसरों की बुराइयां खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। जो बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है, पद और औहद भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो। सुबह उसकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। पानी भी क्या अजीब चीज़ है, नज़र उनकी आँखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं। शीशा और रिश्ता दोनों में नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हैसियत सबकी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। ज़िंदगी ने एक बात ज़रूर सिखाई है, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का यह सब फेर है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, यह तो ज़िंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। हम कभी भी किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं। कभी भी शादियों के भोजन की बुराई मत करना। कोई पिता वर्षों कमाता है एक दिन की दावत के लिए, सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में। मन के रिश्ते पीके निकले, बाकी उधड़ गई कच्ची सिलाई में। न जाने कितने ही रिश्ते ख़त्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मज़ा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मज़ा आता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। ज़िंदगी में हर जगह हम जीत जाते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता है जनाब। दूसरों की परेशानियों में आनंद ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर के लिए रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो वो जीवन भर रोएगा। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के अंताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। जी में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए ये शक्ति का सप्तम हो सकती है।
इसे सावधानी से प्रयोग कीजिए। जरा जब लोहे की राड गर्म हो जाती है आप उसे किसी भी आकार में डाल सकते हैं। कभी भी अपना मिजाज खराब मत करिए, नहीं तो लोग आपको उसी तरह डाल देंगे जैसा वो चाहते हैं। मंदिरों में आरती की तेज आवाज़, मस्जिदों में नमाज और गिरजारों घरों में से प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज़ सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा न उठाइए। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है तब वो अपना सर झुकाता है। अगर आप किसी की खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा इरेजर बनिए जो दुख मिटा सके। सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाइए और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाइए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ।